हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आप सब स्वस्थ होंगे यही कामना करता हूँ। आप सभी बखूबी जानते हैं कि कोरोना वायरस सारे देश में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। शुरू के जो 2-2.5 महीने में जो इसका एवरेज था वो बहुत कम था, बहुत कम पेशेंट आ रहे थे। अभी लगभग 1.5-2 महीने से, लगभग 1 महीने से तो इसका स्पीड बहुत तेज़ी से बढ़ गया है। 20,000 से ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं दिन भर में, और कई लोगों की मौत भी हो रही है, और उसके साथ साथ बहुत सारे लोग क्यूर भी हो रहे हैं। 50% के ऊपर जो है क्यूर हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मगर कई लोगों को ये वायरस लग रहा है। इस महामारी से बचने के लिए हम सबको सावधान होना बहुत ज़रूरी है। इतना सब कुछ होने के बावजूद लोग बहुत लापरवाह होते जा रहे हैं, भीड़भाड़ इलाके में जा रहे हैं। आप सबसे अनुरोध है कि आप भीड़भाड़ इलाके में ना जाइए, मास्क को ज़रूर पहनकर निकला करें। लोग तो निकलते हैं मास्क को पूरी तरह ऐसी इस तरह से डाल के जाना चाहिए, मगर मार्क्स तो नाम को डालते हैं और इस तरह नीचे लटका के जाते हैं। मगर इसका मतलब ही क्या है? मास्क को जो है पूरी तरह पहन के फिरा करें, और अपना काम खत्म होते ही अपने घरों को लौटने की पूरी पूरी कोशिश करें। भीड़ भाड़ इलाके में तो हरगिज ना जाएं, और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन कीजिए, क्योंकि ये महामारी कहाँ तक जाएगी किसी को पता नहीं है। हमारी स्वास्थ्य का जो है हम खुद ख्याल रखना चाहिए। अगर ऐसा हम लापरवाह करते रहें तो आगे हम सबके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। इसीलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप जो है सारे नियमों का पालन कीजिए। जहाँ जहाँ पे लॉकडाउन है वहाँ पर जो है बहुत संभल के रहिए, और कई जगह कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है, और जहाँ पर कंटेनमेंट जोन है उससे दूरी रहा करें। और कम्युनिटी के तौर पे ये कोरोना वायरस फैल रहा है, हर गली गली में ये वायरस फैल रहा है। इसीलिए जो है हम सबको सावधान रहना चाहिए। मैं आपको यही मैसेज देता हूँ कि खुद को कोरोना से बचाइए। सरकार तो बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं, उसके साथ साथ हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इससे बचने की पूरी पूरी कोशिश करना चाहिए। इसीलिए जो है सारे नियमों का पालन कीजिए, अपने आप को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए, सारे देश को बचाइए। और ये महामारी कहाँ तक जाएगी, कब ख़त्म होगी, इसका तो कोई पता ही नहीं। यहाँ तक भारत के वैज्ञानिकों ने बहुत बड़ा काम किया है। भारत बायोटेक हैदराबाद और ICMR ने मिलकर के एक वैक्सीन तैयार किया है। इसको 7 तारीख से जो है इंसानों में प्रयोग किया जाएगा। ये सक्सेस होने के बाद 15 अगस्त से जो है सभी के लिए इस वैक्सीन को देने का की बात चल रही है। आशा करते हैं कि इसमें हम सबको कामयाबी मिले, और ये वैक्सीन तैयार होके सक्सेसफुली सबको दिया जाए, और सभी इससे स्वस्थ हो जाए, और ये महामारी आगे किसी को ना फैले। इसीलिए हम आशा करते हैं कि ये कामयाब हो जाए। इसीलिए हम सब भी जो है इससे बचने की पूरी पूरी कोशिश कीजिए। और डॉक्टरों के मुताबिक अगले 2 हफ्ते बहुत कठिन है, क्योंकि हर जगह बारिशें हो रही हैं। क्या होगा किसी को पता नहीं है, इसीलिए हम सबको बचना बहुत ज़रूरी है। हम सब जो है बचने की कोशिश कीजिए। आप भी जो है कोरोना वायरस से बचने की पूरी पूरी कोशिश कीजिए। बस इतना ही मैसेज देना था आपको, और इसके बाद और आगे भी आपको इसके बारे में और दूसरी चीज़ों के बारे में मैसेज देता रहूँगा। धन्यवाद।